तो क्वेश्चन है, आ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। एक कार है जो 2000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इफ़ द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज़ कवर्ड एट 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो 2000 मीटर की जो जर्नी रही है उसमें जो फर्स्ट हाफ है, मतलब जो 1000 मीटर रहे हैं, उस 1000 मीटर को उसने कवर किया है 40 किलोमीटर पर आवर से। एंड द सेकेंड हाफ एट वेलोसिटी वी, और सेकेंड हाफ है वो एट वी किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है, और जो उसकी एवरेज वेलोसिटी आई है पूरी जर्नी की वो आई है 48 किलोमीटर पर आवर। एंड इफ द एवरेज वेलोसिटी इज 48 किलोमीटर पर आवर, देन द वैल्यू ऑफ वी इज़, तो हमें इस वी की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो नेक्स्ट हाफ में इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो इधर हम पहले एवरेज वेलोसिटी लिख लेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमें टाइम देने का, तो हमें टाइम को भी किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2000 है। 2000 और टोटल टाइम, टाइम को अगर हमें इसके डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो यहाँ से हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लिख लेंगे इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी के टर्म्स में। तो हमारा जो 1000 का डिस्प्लेसमेंट था उस टाइम हमारी वेलोसिटी क्या थी? 40। और इसमें हम और आगे का टाइम ऐड करेंगे, तो उस टाइम जब हमारा 1000 डिस्प्लेसमेंट कवर करा था तो हमारी वेलोसिटी थी वी, और हमारी एवरेज वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में कितनी दी है? 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 48। तो हम अगर यहाँ से 1000 कॉमन निकालेंगे तो ये 1000 1000 कटेगा और यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा। तो इधर हमारे यहाँ तक हो गया। और अब अगर हम यहाँ पे अगर हम पहले सॉल्व करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाए जिससे कैलकुलेशन लेंदी ना जाए, तो यहाँ पे हम ये 2 और को काट सकते हैं एक बार में, और ये 48 आएगा 24 बार में। तो हमारा ये कुछ, इसको पहले नीचे लिखना एक बार में क्लियरली, जितनी साफ साफ दिख जाए आपको। तो हमारे जो 24 इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ से 40 और वी का एलसीएम लेंगे तो ये हमें नीचे कितना मिलेगा? 40 प्लस वी, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 40 वी। तो हम इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अगर 2 की ये 4 की टेबल में कट सकता है दोनों, तो ये 4 की टेबल में आएगा 10 बार में और ये आएगा 6 बार में। इसको फर्दर अगर काटेंगे तो ये 3 बार में आएगा 2 की टेबल में और ये आएगा 5 बार में। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है कुछ ऐसा, जिसको हम क्रॉस में ले जाएंगे इधर से। तो 120, ये 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और ये वी को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 3 वी इज इक्वल टू 5 वी। तो यहाँ से 120 इज इक्वल टू हम 3 वी को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हमारा 2 वी आएगा। तो यहाँ से ये आएगा एक बार में कटेगा और ये आएगा 60 बार में। तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी आपको सिंप्लीफाई लगा होगा। तो इसकी वेलोसिटी में 60 किलोमीटर पर आ रही है, तो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 60 किलोमीटर पर आवर।